नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते हैं उसे शुरू से अंत तक और ज़रूर देखें और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो वीडियो हैं या उसमें जो भी जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारे वीडियो का, उसमें हम एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताने जाएंगे जो सदियों से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता आया है और हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है वो, क्योंकि लोगों ने शुरू से ही इस पे ध्यान दिया, उसका इस्तेमाल किया और जो कि आपके हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, जिस पौधे की हम बात करने वाले हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में बात करने वाले हैं, उसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम आपको दिखाएँगे और बताएँगे आज के वीडियो में तुलसी का पौधा कैसा दिखता है और उसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो जो है वो हम आज की वीडियो में आपको तुलसी के पौधे के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप अभी जो अपने सामने जो पौधा आप देख पा रहे हैं, ये तुलसी का पौधा है। आपको एक दूसरे तरीके की तुलसी भी मैं आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक तुलसी ये भी है। तुलसी की बहुत सारी वेराइटियाँ पाई जाती हैं हमारे यहाँ, और जो मुख्य तुलसी की वेराइटी है उसमें श्वेत तुलसी और श्याम तुलसी, दो तुलसी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और इसको हम श्वेत तुलसी को राम तुलसी और श्याम तुलसी को कृष्ण तुलसी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जो तुलसी का पौधा होता है वो देखने में कैसा होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम तुलसी के बारे में आपसे जानकारियां शेयर करें, बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा दोस्तों, क्योंकि तुलसी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसीलिए जो है हमारे यहाँ तुलसी को एक देवी तुल्य स्थान दिया गया है और तुलसी माता के नाम से घर घर में जो है तुलसी की पूजा होती है और हर घर में, हर आंगन में और हर घर के आसपास हमारे यहाँ गाँव में लोग तुलसी का पौधा लगा के रखते हैं, क्योंकि कई तरीके से इसका सेवन करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुलसी का स्थान भारतवर्ष में जो है बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे वो तुलसी की उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए तुलसी को जो है घर घर में बहुत ही मुख्य और देवी तुल्य का स्थान दिया गया, क्योंकि इसकी उपयोगिता के बारे में हमारे भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि थे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसका उपयोग जो है लोग सदियों से करते आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जो तुलसी का पौधा होता है, उसका जो पेड़ होता है, उसकी डाल जब सूख जाती है, मैं आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये तुलसी की एक शाखा है, जब ये सूख जाता है तो इसके टुकड़े छोटे छोटे कर लिए जाते हैं और इसकी माला बना के भी लोग पहनते हैं और उसका भी एक उपयोग होता है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में सदियों से तुलसी की जो औषधीय गुण है, जो उसकी औषधीय गुण है उसका जानकारी थी, इसलिए बहुत ही मुख्य स्थान दिया गया हमारे यहाँ, और उसी का कारण है क्योंकि हम इसके औषधीय गुणों से बहुत प्राचीन काल से ही जानकार हैं और उसका इस्तेमाल करते आए हैं, इसलिए इसके उपयोग को बहुत ही प्राथमिकता दी गई, जिसकी वजह से घर घर में लोग तुलसी लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हम ये जान चुके हैं या जानते हैं कि तुलसी जो है ये एक औषधीय पौधा है और तुलसी के पौधे का पत्ता, बीज और उसकी शाखाएं सब जो है हमारे यहाँ औषधीय रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, और क्योंकि तुलसी में जो है विटामिन्स, खनिज बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए तुलसी जो है बहुत ही लाभदायक होती है और कई सारी बीमारियों से हमको बचाती है। तुलसी में हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है, उसको स्ट्रांग यानी मजबूत रखने के बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद करती है। इस तरह से सर्दी, जुकाम, खांसी या बात पित्त जैसे रोगों को दूर करने में तुलसी जो है हमारी बहुत मदद करती है। इसके अलावा तुलसी के जो गुण है, उसमें हमने बताया कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और हमारे
ब्लड को साफ करने, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से तुलसी से हो जाता है। मतलब ये जो है एक नेचुरल प्रकार का ब्लड प्यूरिफायर है जो हमारे खून को साफ रखने में बहुत ही मदद करता है। और जब आपका खून साफ रहता है तो आप जो है कई तरह की संक्रामक बीमारियों से अपने आप को बचा पाते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया कि तुलसी जो है किस तरह से हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि तुलसी का पत्ता, तुलसी के दाने, तुलसी की शाखाएँ सभी जो है हमारे लिए उपयोगी होती हैं। और ख़ास तरीके से हम जो है अपने दैनिक जीवन में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। और आप तुलसी की पत्ती को जो है समूचा पेड़ में से तोड़ के ऐसे ही खा सकते हैं। और अगर आप 4-5 पत्ती तुलसी का रोज़ सुबह सुबह पानी के साथ खाएं चबा के, तो आपको तुलसी की जो भी फायदे होते हैं वो मिल जाते हैं। और आपका जो भी बात पित्त या सांस से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बलगम, इन सब को दूर करने में तुलसी जो है बहुत मदद करती है। तो दोस्तों, हम तुलसी के औषधीय गुण की बात कर रहे थे। इसी कड़ी में ये बात बताना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है दोस्तों कि हमारे और आपके घर में चाय जो है हर रोज़ बनती है, और सुबह से ही चाय पीना हम शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, क्योंकि तुलसी में नेचुरल फ्लेवर पाया जाता है, बहुत ही अच्छी सुगंध पाई जाती है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं तो होते ही हैं। तो जब यहाँ हमारे यहाँ गाँव में चाय बनती है तो हम तुलसी के पत्ते के कुछ पत्ते डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि तुलसी के पत्ते में जो भी चीज़, जो भी पोषक तत्व या जो भी स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं वो हमारी चाय में चले जाते हैं। और अब हम जब चाय पीते हैं तो चाय बहुत ही हमारे लिए लाभदायक हो जाती है। और हमारी जो भी तुलसी से हमको फायदे होते हैं वो चाय के ज़रिए हमको मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से हम जो है सर्दी, जुकाम, कफ, पित्त या बुखार जैसी समस्याओं को तुलसी की चाय से दूर कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे के वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर हम तुलसी के पत्तों का या तुलसी के अर्क का रेगुलर सेवन करते हैं तो किन किन परेशानियों में हमको ये मदद करती है या किस तरह से हमको जो है ये स्वास्थ्यवर्धक होती है। दोस्तों, अगर हम तुलसी की पत्तियों का या उसके अर्क का रेगुलर सेवन करें तो इसमें जो भी तत्व पाए जाते हैं वो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर को, वो बढ़ाती है, जिससे हम लोग इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप सर्दी, जुखाम, बात, पित्त, कफ और बुखार जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा लेते हैं। इसके अलावा तुलसी में बहुत ही और औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हमारे दांतों के दर्द के लिए, अगर आपकी आँखों में रतौंधी की समस्या है उसमें, और इसके अलावा तुलसी जो है हमारे दांत के दर्द में भी फायदा करती है। तो दोस्तों, हम तुलसी की जो स्वास्थ्यवर्धक गुण है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि तुलसी के सेवन से हमारा जो है पाचन तंत्र वो मजबूत होता है, और हमारी भूख हमारी अच्छे से लगती है। उसके साथ साथ जो है हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। दिमाग के लिए तुलसी में जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और आप तुलसी के सेवन रेगुलर करते हैं तो आपका जो है दिमाग फ्रेश रहता है, तरोताज़ा रहता है, और आपकी जो याददाश्त होती है वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से आपकी याददाश्त को बढ़ाने में तुलसी हमारी मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जो तुलसी का अर्क होता है उसको अगर आप अपने बालों में लगाएं, और मान लीजिए कि अगर आपके बालों में जू है और उसकी लीखें हैं, तो वो उनको निकालने में हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बालों के लिए जो अच्छा नहीं होता। लेकिन आप अगर तुलसी के अर्क का इस्तेमाल करें तो जूओं को और लीखों को निकालने में तुलसी का अर्क हमें बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने तुलसी के पौधे के बारे में जाना कि वो कैसा दिखता है, और गांव में हमारे यहाँ घर घर में हर आंगन में इसको लगाया जाता है, और इसकी औषधीय गुणों की वजह से हम जो है तुलसी को एक प्रत्यक्ष देवी के रूप में, तुलसी माता के रूप में हम पूजा पाठ भी करते हैं, पूजते हैं, क्योंकि इतने सारे औषधीय गुण हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैसा कि हमने जाना कि हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है, हमारी भूख बढ़ाता है, हमारे दिमाग को अच्छा रखता है, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारे शरीर का
हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है शरीर में उसको बढ़ाता है, उसके साथ साथ हमारे खून को साफ करता है, शुद्ध करता है, एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर की तरह। और इसके अलावा अगर आपके सर में जुए हैं उसको भी दूर भगाने में तुलसी का फ़ायदा हम ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तुलसी में जितने औषधीय गुण पाए जाते हैं शायद ही किसी और पौधे में या किसी और नेचुरल दवा में या हम कह सकते हैं कि जड़ी बूटी में इतना और गुण पाया जाता हो। और यही कारण है कि तुलसी की पूजा की जाती है हमारे यहाँ, और घर घर में तुलसी के पौधे हम लगा के रखते हैं। और हमने जाना कि तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल हम ऐसे भी खा कर सकते हैं, चाय में डाल के कर सकते हैं, या उसका अर्क निकाल के कर सकते हैं। और अगर आपको बुखार हो रहा है और आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के पिए तो बुखार को भी दूर करने में तुलसी हमारी मदद करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना तुलसी के पौधे के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में, क्यों उसकी पूजा की जाती है और किस तरह से तुलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और किस तरह से जो है हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए, रोगों से बचाने के लिए तुलसी हमारे लिए मददगार होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जानकारी भरे वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपने सुझाव हमें ज़रूर देंगे, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। दोस्तों आज्ञा दीजिए, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई और रोचक गाँव और देहात की विशेष जानकारी भरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज्ञा दें, नमस्कार, बाय बाय।